नमस्ते बच्चों बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्रिया का वीडियो देखा, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। और बच्चों, आपको एक वीडियो भी दिखाया गया था और आपसे पूछा गया था कि उसमें कौन कौन से क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, ये उस विज्ञापन में आए क्रिया शब्द के नाम हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी यही शब्द ढूंढे होंगे। पढ़ता, खेलता, झूलता, उछलता, दौड़ता, मनाता, बनाता, मारता, बढ़ता और पीता। तो उस विज्ञापन में इन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो बच्चों, उस क्रिया के आधार पर आपको पेड़ पाठ की अभ्यास, भाषा अभ्यास के ये प्रश्नों को हल करना है। हमने कविता पढ़ी, पहला प्रश्न है कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। संज्ञा शब्द आपने पढ़ा है बच्चों, तो उसके नाम लिखेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में कविता के आधार पर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, उन पंक्तियों में से आपको क्रिया शब्द लिखना है। भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे। तो बच्चों, ये क्रिया शब्द के बारे में आप पहले से जानते हैं। उसके बाद है, यहाँ नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर आपको वाक्य लिखना है और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना है। जैसे पहला चित्र है बच्चों, पतंग उड़ रही है, तो आप वहाँ पर क्रिया शब्द को भी घेरा लगाएंगे। वैसे ही आपको अन्य वाक्यों का निर्माण करना है और उसमें से क्रिया शब्दों को छांटना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, वर्ग पहली दी है, उसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटना है। सर्वनाम भी हमने पढ़ा हुआ है, ये खुद आप छांटेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के एकवचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। चादर, चादरें, आंखें, आंख। अगर एकवचन है तो आपको बहुवचन शब्द लिखना है और यदि बहुवचन है तो आपको एकवचन शब्द लिखना है। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ। यहाँ पर संकेत बिंदु शब्द दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको विपरीत शब्द छांटकर लिखना है। ये भी आप लोग स्वयं करेंगे। प्रश्न 7 में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से एक ही पर्यायवाची शब्द सही होगा। जैसे घर, घर का होता है मकान, गृह और भवन, तो इन तीनों शब्दों को आप घेरा लगाएंगे। कानन का अर्थ जंगल होता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर कानन को घेरा नहीं लगाना है। वैसे ही अगला शब्द है पक्षी, पक्षी का अर्थ होता है खग, पंछी, चिड़िया, तो उन शब्दों पर घेरा लगाएंगे। इस प्रकार के बाकी शब्द भी आप लोग स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना है बच्चों। पंछी घर को लौटेंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। बच्चों, इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे को, में, के, से का प्रयोग किया जाता है। उन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्द और क्रिया के बीच में संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है, बच्चे छांव में खेलेंगे। अब इसमें क्रिया शब्द क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो क्रिया शब्द है खेलेंगे। और बच्चे छांव में, तो बच्चे और क्रिया के बीच में जो संबंध शब्द है वह है में, तो यहाँ पर कारक आ जाएगा करने वाला। कौन कर रहा है ये काम, बच्चे, तो यहाँ पर करने वाले आ जाएंगे जो कि संज्ञा है। सभी पेड़ सो जाएंगे, तो सो जाएंगे क्रिया है, कौन सो जाएंगे, सभी पेड़, तो सभी पेड़ करने वाले हैं ये काम को। सूरज ने बीजों को उठाया, तो उठाया शब्द क्रिया है और सूरज ये काम करने वाला है। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का पता चले, मतलब काम कौन कर रहा है उसका पता चले, उसे कर्ता कारक कहते हैं।
जैसे पहले वाक्य में हमने देखा बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं, पेड़ सोने का काम कर रहे हैं, और तीसरे वाक्य में सूरज बीजों को उठाने का काम कर रहा है। इसलिए बच्चे, पेड़, सूरज कर्ता कारक है। कर्ता कारक मतलब बच्चों काम करने वाला। अब वैसे ही आपको नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक पर रेखा खींचना है, अंडरलाइन करना है। हवा कहेगी झूम झूम, कौन कहेगा? हवा। तो हवा को रेखांकित करेंगे। तो इस प्रकार बाकी शब्दों को बच्चों आप लोग खुद करेंगे। तो बच्चों भाषा अभ्यास में इन प्रश्नों को आपको इसके उत्तर लिखना है, स्वच्छ लिखावट में लिखेंगे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।